हेलो एवरीवन, आई होप एवरीबडी इज डूइंग ऑल राइट। मेरा नाम तितिक शुरा है। इस वीडियो के अंदर अपन आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18 को डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। आर्टिकल 17 जो है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करता है। जब मैंने आपको जो है फंडामेंटल राइट्स के फीचर्स समझाए थे, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के फीचर्स वगैरह जब अपन ने देखे थे, तब मैंने आपको बताया था कि जो एक इकलौता ऐसा आर्टिकल है जो कि एब्सोल्यूट है नेचर में, वो कौन सा आर्टिकल है? वो आर्टिकल 17 है। एब्सोल्यूट नेचर का आर्टिकल का ये मतलब होता है कि ये जो आर्टिकल है इसके साथ में कोई भी एक्सेप्शंस वगैरह अटैच्ड नहीं है। आप इसको प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो, मतलब नहीं कर सकते हो। दैट इज इट, एंड ऑफ द जो है आर्टिकल। समझ में आया? ठीक है, एंड ऑफ द टॉपिक, एंड ऑफ द डिबेट। समझ में आया? अब समझो, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। कई बार लोग इसको आर्टिकल 17 को अनटचेबिलिटी अनटचेबिलिटी बोलते रहते हैं। अब आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी नहीं है, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है। समझ में आया? ठीक है, अनटचेबिलिटी की बात नहीं कर रहा, उसके एबॉलिशन की बात कर रहा है। समझ में आया? अब देखो, डेफिनेशन की अगर बात करें तो डेफिनेशन क्या है इसकी? सबसे पहली बात तो इसको कहीं पर डिफाइन किया ही नहीं गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर या फिर किसी भी स्टैट्यूटरी लॉ के अंदर। कहीं पर भी इसकी डेफिनेशन नहीं प्रोवाइडेड है। लेकिन मैसूर हाईकोर्ट ने इसे डिफाइन करा था और मैसूर हाईकोर्ट ने कहा था कि अगर एक पर्सन के साथ सोलली ऑन द बेसिस ऑफ हिज बर्थ जो है डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो उस डिस्क्रिमिनेशन को अपन क्या कहेंगे? उस डिस्क्रिमिनेशन को अपन अनटचेबिलिटी कहेंगे। समझ में आया? अगर किसी भी पर्सन के साथ में सिर्फ और सिर्फ उसकी बर्थ के बेसिस पर, कि भाई वो किस फैमिली में जन्मा, समझ में आया, उसके बेसिस पर अगर उसके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो उसे अपन अनटचेबिलिटी कहेंगे, एंड दैट इज अबॉलिश्ड इन इंडिया। समझ में आया? उसके अलावा क्या चीज़ है? अब इसको अबॉलिश करने के लिए, इसके लिए भी स्पेसिफिक लॉ भी लाना पड़ेगा। तो इसके लिए जो स्पेसिफिक लॉ लाया गया वो है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट। अगेन मैंने आपको बताया कि किसी भी स्टैट्यूटरी लॉ के अंदर भी इसे डिफाइन नहीं करा गया, तो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट के अंदर भी इसे जो है अनटचेबिलिटी को डिफाइन नहीं करा गया। समझ में आया? बस इतना ही है अनटचेबिलिटी, इसके अलावा अनटचेबिलिटी के अंदर कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट चीज़ देखो, आर्टिकल 18, आर्टिकल 18 बात करता है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स की। किसकी? अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स की। तो आर्टिकल 18 क्लॉज 1, आर्टिकल 18 क्लॉज 1 बात करता है कि जो स्टेट है, स्टेट किसी भी फॉरेन या फिर सिटीजन एंटिटी को, सिटीजन बॉडी को, ठीक है, जो है किसी भी टाइप का टाइटल प्रोवाइड नहीं कर सकता है। अब स्टेट का यहाँ पे क्या मतलब है? स्टेट को यहाँ पे मैंने रेड से क्यों लिखा है? स्टेट का यहाँ पे ये मतलब है कि जो स्टेट है, जिसको अपन आर्टिकल 12 में समझा, ठीक है, वो जो बॉडी है वो बॉडी ही प्रोवाइड नहीं कर सकती है, प्राइवेट कर सकते हैं या फिर सेल्फ आदमी अपने आप को कर सकता है। जैसे पहले एग्जांपल देके समझाता हूँ। यहाँ पे टाइटल्स का मतलब जैसे ये होता है कि जो राय बहादुर, राज बहादुर, महाराजा और ये सारे जो टाइटल्स दिए जाते थे एक टाइम पर, ठीक है, उन सारे टाइटल्स को कहीं ना कहीं अबॉलिश करा गया। ऐसे टाइटल्स को अब नहीं दिया जा सकता। समझ में आप? उसके बाद क्या चीज़ है? उसके बाद जो है अब ये जो नहीं दिया जा सकता तो कौन नहीं दे सकता? सिर्फ स्टेट नहीं दे सकता। अब आपने सुना होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, उसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये जो सरदार हो गया, नेताजी हो गया, महात्मा हो गया, ये सारे भी तो टाइटल्स हैं, लेकिन ये स्टेट ने नहीं दिए हैं, लोगों ने दिए हैं, पब्लिक ने दिए हैं। समझ में आया? ठीक है, इसको समझना, कंसेप्ट को समझना। ये लोगों ने दिए हैं जो है पर्सन्स को, स्टेट ने, गवर्नमेंट ने नहीं दिए हैं। समझ में आया? ठीक है। उसके अलावा आज भी जो काफ़ी सारे ऐसे स्वामी और वगैरह वगैरह जो भी मल्टीपल अलग अलग टाइटल्स वगैरह होते हैं, वो या तो आदमी अपने आप को दे सकता है। समझ में आया? ठीक है, उसके फॉलोअर्स वगैरह बाकी के लोग उसको दे सकते हैं, लेकिन स्टेट नहीं दे सकता है। समझ में आया? उसके अलावा क्या चीज़ है? उसके अलावा यहीं पे कंसेप्ट आता है कि स्टेट फिर कुछ और दूसरे जो है अवार्ड्स तो प्रोवाइड करता है, जैसे कि पद्मश्री और पद्म भूषण और पद्म विभूषण और भारत रत्न, है ना, ये सब चीज़ें भी तो प्रोवाइड करता है। तो इन सारी चीज़ों को जो है काफ़ी सारे लोग अक्सर इस तरीके से बोलते हैं कि भाई एक्स वाई जी पद्म भूषण, है ना, या फिर पद्म भूषण श्री जो है ABC, ऐसे करके अपना नाम लिखते हैं। तो डैट इज डैट ऑल राइट? नो, इट इज़ नॉट ऑल राइट। पहली बात तो ये जो है ये टाइटल्स नहीं है। समझ में आया? सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्लैरिफाई करा कि ये जो है ये टाइटल्स नहीं माने जाएंगे आर्टिकल 18 के अंदर, पहली बात, क्योंकि ये हेरिडेटरी टाइटल्स ऑफ नोबिलिटी के अंदर नहीं आते हैं। समझ में आया? और दूसरी बात,
इन टाइटल्स को, मतलब सॉरी इन अवार्ड्स को आप नेम के आगे प्रिफिक्स या फिर सफिक्स के तौर पर भी नहीं लगा सकते हो। नेम के आगे प्रिफिक्स या सफिक्स का मतलब होता है कि या तो नाम के आगे लगाना या नाम के पीछे लगाना, समझना। यहाँ पे जो टाइटल है, इसको बात को समझना कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टेट कैन नॉट, जो है स्टेट कैन नॉट नीदर, स्टेट कैन नॉट गिव टाइटल्स नीदर टू फॉरेन नॉर टू सिटीजन्स, है ना। तो यहाँ पे ये स्टेट टाइटल्स तो दे सकता है, लेकिन सिर्फ कौन से टाइटल्स? सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री एंड अकेडमिक टाइटल्स, समझ में आप? सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री एंड अकेडमिक टाइटल्स, उसके अलावा और कोई भी टाइटल नहीं दे सकता। अकेडमिक के अंदर जैसे कि डॉक्टर, समझ में आया, ठीक है। और मिलिट्री के अंदर जो परमवीर चक्र हो गया, पीवीसी वगैरह, मतलब जैसे अगर आपने कभी अगर वो देखा होगा, ठीक है, किसी भी डेकोरेटेड आर्मी ऑफिसर का अगर नाम देखा होगा तो उसके नाम के आगे जो है खूब सारे अलग अलग ये जो है टर्म्स वगैरह लगी हुई होती है, ठीक है, SM, सेना मेडल, PVC और ऐसे अलग 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 काफ़ी सारी चीज़ें लगी होती है, तो वो तो लगाते हैं। तो मिलिट्री टाइटल अलाउड है और जो अकेडमिक टाइटल्स हैं वो अलाउड हैं, समझ में आया, लेकिन बाकी के टाइटल्स अलाउड नहीं है, ठीक है। 18 क्लॉज 2 के अंदर क्या है? 18 क्लॉज 2 के अंदर ये बात दी गई है कि जो आउटसाइडर्स हैं, ठीक है, उन आउटसाइडर से, सॉरी, अगर आपको बाहर से किसी फॉरेन स्टेट से भी कोई टाइटल एक्सेप्ट करना है तो वो भी आप नहीं कर सकते हो। आप खुद को खुद से टाइटल दे सकते हो, हाँ दे सकते हो। लोग यहाँ के आपको टाइटल दे सकते हैं, दे सकते हैं, लेकिन बाहर की कोई स्टेट आपको टाइटल नहीं दे सकती। बाहर के लोग दे सकते हैं, हाँ दे सकते हैं। आप बाहर जाके ले सकते हो, हाँ आप भी ले सकते हो, समझना। लेकिन बाहर की कोई स्टेट आपको नहीं दे सकती। अगर स्टेट आपको देती है और आप सिटीजन ऑफ इंडिया हो तो आपको उसको रिफ्यूज करना पड़ेगा, आप टाइटल नहीं ले सकते हो, समझ में आप। उसके अलावा आर्टिकल 18 क्लॉज 3 है। आर्टिकल 18 क्लॉज 3 के अंदर जो है ये बात है कि अगर कोई फॉरेनर है, यहाँ तो सिटीजन की बात हो गई, लेट से कोई फॉरेनर है जो कि इंडिया के अंदर है, क्या वो बाहर की किसी कंट्री से टाइटल ले सकता है? इंडिया तो दे ही नहीं रहा, बाहर के कोई स्टेट से टाइटल ले सकता है? वो ले सकता है, लेकिन अगर वो कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या फिर ऑफिस ऑफ ट्रस्ट को होल्ड कर रहा है तो उसे जो है प्रेसिडेंट का कंसेंट लेना पड़ेगा इस आर्टिकल को लेने से पहले, समझ में आया, ठीक है। बिना प्रेसिडेंट के कंसेंट के वो आर्टिकल नहीं ले सकता है, समझ में आया। ऑफर फ्रॉम फॉरेन स्टेट कैन नॉट अंटिल कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, समझ में आया। आर्टिकल 18 क्लॉज 4 के अंदर क्या चीज है? अगर कोई भी सिटीजन या फिर कोई भी फॉरेनर जो कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अगेन या फिर ऑफिस ऑफ ट्रस्ट को होल्ड कर रहा है, कहाँ पर? इंडिया के अंदर। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ ट्रस्ट क्या होता है किसी को, मतलब इसको कहीं पर भी डिफाइन नहीं करा गया, समझ में आया, ठीक है। तो ये टाइम टू टाइम चलता रहता है, ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं है, ठीक है, लेकिन प्रॉपर कहीं पर भी डेफिनेशन इसकी नहीं दे रखी। तो एनी सिटीजन और फॉरेनर, ठीक है, कैन नॉट एक्सेप्ट प्रेजेंट और ऑफिस और वेजेस और फीस या फिर एमोल्यूमेंट्स, समझ में आया, ठीक है। तो किसी बाहर की जो है फॉरेन स्टेट से, फॉरेन बॉडी से, वो ना तो कोई प्रेजेंट्स गिफ्ट्स एक्सेप्ट कर सकते हैं, ना ही कोई ऑफिस एक्सेप्ट कर सकते हैं, ना ही कोई वेजेस या